Right. Well, the Supreme Court has ordered that the Noida Twin Towers, the highest structure in India, be destroyed. And that is going to take place tomorrow, rather. In fact, the structure taller than the Qutub Minar would be brought down with explosives, which are weighing at least 3,700 kg. Within the following 2 to 3 days, the explosive wire connections that have been installed on every floor will be finished. Explosives have been placed inside the Twin Towers during the past 2 weeks, and the task will be completed in 9 seconds. The builders, on the Supreme Court's orders, will be demolishing the 40-story Twin Towers on their own expense. The Twin Towers, Apex 32-story and Sian 29-story, comprises of 915 flats. Let's listen to this reaction coming in. Public and normal and the common public who is there can come in. Sir, kitni duration ka hoga, kitni seconds ka hoga? They are already told it will be 12 seconds. Sir, aaspas ki jo pipelines ki hai underground, unko dekhkar safety ke lihaz se kya vyavastha hai aur khas taur pe dust? So already jo pipeline jo hai, Gale ki pipeline hai, wo yahan ke Richter scale 4 ke hisab se design hui hai. वो ऑलरेडी 3 मीटर अंडर द ग्राउंड है, फिर भी उसके ऊपर हम लोग ने प्लेट्स बिछाए हैं, बम्स किए हैं. सो 100% कोई जान जो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा गेल की पाइपलाइन को. सर, इस तरह के एक्सप्लोजन पहले भी करे हैं, लेकिन ये थोड़ा ह्यूज है, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है जो अभी तक आप कर चुके हैं? ऑलरेडी हम लोग ने 3 इम्प्लोजन ऑलरेडी किए हुए हैं, जो एक कोची में, रांची में और इंदौर में. ये हमारा 4th इम्प्लोजन है. या टेक्निकली कहेंगे तो ये थोड़ा चैलेंजिंग है, बट वी लाइक चैलेंजेस. उसके लिए वी आर वेरी प्रिपेयर्ड एंड इट विल गो एज पर आवर प्लान. आसपास की सर एसोसिएशन को, जो कि काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं आसपास, तो ऐसे में किसी तरह की गाइडलाइंस आपने जारी की हैं? आजू बाजू के लोगों के लिए जो गाइडलाइंस है वो नोएडा अथॉरिटी ने जारी की है, एंड दे आर वेरी क्लियर व्हाट द रेसिडेंट्स हैव टू डू, व्हाट द नोएडा अथॉरिटी हैज़ टू डू. एवरीथिंग इज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर. सो उनको ऑलरेडी बताया गया है कि कब तक उनको खाली करना है, कब वापस आना है और क्या क्या प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे हैं. जो आसे बाजू के रेसिडेंट्स को सब पता है. किसी तरह का मैसेज देंगे, क्योंकि लोगों के अंदर एक तरह का तनाव है सर, जो आसपास के लोग हैं, एक डर का माहौल पैदा हुआ. आई कैन अंडरस्टैंड, मेरा भी अगर घर होता बाजू में तो मैं भी एक डरा हुआ रहता. बट उसके लिए जो भी हमने प्रिकॉशंस लिए हैं, तो मैं आजू बाजू के रेसिडेंट्स को यही बोलना चाहूँगा, प्लीज डोंट बी अफ्रेड. द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड इज वर्किंग फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड वी होप. All right, my colleague Rajat Kumar is joining us at this point in time to give us more details about this. Rajat, agar aap meri awaaz sun pa rahe hain? Ji, bilkul awaaz aa rahi hai. Rajat, ye ek bada event hai, kyunki jis tarike se pichle kuch saalon mein builders ne kanoon ka fayda uthaya hai, unke liye ek ye sandesh ja raha hai ki agar aap grahakon ko aur home buyers ko अंधेरे में रखेंगे, धोखे में रखेंगे, तो भारत का कानून उनका ख्याल रखेगा, और आज इसकी एक मिसाल दी जा रही है. देखिए, सही कहा आपने, भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं वो सामने आ ही जाता है. जिस तरीके से सुपर टेक बिल्डर ने अवैध तरीके से जो ग्रीन बेल्ट थी वहां पर अवैध कंस्ट्रक्शन किया था, 32 मंजिला इमारत खड़ी की थी, अब कहीं ना कहीं उसका नाम और निशान है वो मिटने वाला है. कल दोपहर 2:30 बजे जो ट्विन टावर है उसका नक्शा है वो भारत से गायब हो जाएगा. तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं. 3700 किलो जो विस्फोटक पदार्थ है वो लगाया गया है, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई है. और ऐसे में तमाचा है उन लोगों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, जो बिल्डर्स होते हैं, जो कि अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन करते हैं. अब कहीं ना कहीं कानून है वो सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया गया था दिसंबर में, उसमें कहा गया था कि नोएडा अथॉरिटी के जो पुराने अधिकारी हैं उनकी साठगांठ से जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल अवैध तरीके से निर्माण किया गया था. जो वकील थे जो कि आसपास सोसाइटी में रहते थे, उनके प्रोजेक्ट थे, उन्होंने शिकायत दी थी. और ऐसे में शिकायत के बाद अब कहीं ना कहीं जो चोरी है वो बिल्कुल सामने आई है. 28 अगस्त यानी कि दिन रविवार 2:30 बजे भ्रष्टाचार पे खड़ा हुआ ट्विन टावर बिल्कुल ही नाम और निशान है वो मिट जाएगा. तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, रूट को डाइवर्ट किया गया है, 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, ऐतिहासिक कंपनियां वो वहां पर तैनात रहेंगी. स्वच्छता व्यवस्था को लेकर तमाम जो बड़े अधिकारी है वो मौके पर पहुंचते हैं और जायजा पर जायजा ले रहे हैं. उनका मानना है कि पूरी तरह से अलर्ट है. आसपास के रहने वाले रेजिडेंट्स को भी अलर्ट कर दिया गया है कि सुबह 7 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति ट्विन टावर के आसपास नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो एक ब्लास्ट होगा बड़ा सा
जाहिर सी बात है उस समय मलबा लेके तमाम तरह का डस्ट है वो उड़ेगा, लेकिन जिसके चलते अब एहतियात है वो लोगों को करनी पड़ेगी। सीएम यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जो अधिकारी हैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए उन्हें कड़ी चेतावनी दी है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाए, जिसके बाद जो नोएडा कमिश्नर है वो खुद मौके पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। एम्बुलेंस से लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो आसपास मौजूद रहेगी। ट्रैफिक को लेकर जो डाइवर्ट है वो किए गए, चप्पे चप्पे निगरानी है वो रखी जाएगी। ये एक तरह से भारत में पहला एक इंसिडेंट है या इवेंट है जहां पर इस तरीके का हाई प्रोफाइल बिल्डर अपना ही टावर खुद डिमोलिश कर रहा है। इसके आसपास और भी प्रॉपर्टीज हैं रजत, जो अभी तक बिल्कुल भी किसी भी खतरे में नहीं है, पर क्या जो इंजीनियर्स इस इम्प्लोजन का ख्याल रख रहे हैं उन्होंने आसपास के लोगों से बातचीत करी है, क्योंकि बहुत मलबा उठेगा, बहुत मिट्टी फैलेगी, उसके लिए क्या प्रबंध किए गए हैं? देखिए, जो कंपनी है एडफिटिक इंजीनियर कंपनी जो कि पूरे प्रोजेक्ट का देखरेख कर रही है, पूरे प्रोजेक्ट को दुरुस्तीकरण में उसकी अहम भूमिका है, उसका मानना है कि हमें नोएडा अथॉरिटी से जो मलबा होगा ब्लास्ट होने के बाद उसका 3 महीने का समय मांगा है। सेक्टर 88 में वाकायदा से ग्राउंड बनाया जाएगा, उसके बाद जो मलबा है वो मशीनें द्वारा जो लोहा होगा उसको अलग किया जाएगा, और साथ ही जो आसपास रह रहे लोगों से भी बातचीत की गई है उनका मानना कि हमें डर है कि जाहिर सी बात है जब 32 मंजिला इमारत है जो 12 सेकेंड में ध्वस्त होगी तो कहीं ना कहीं जो रेजिडेंस है उनके तमाम जो सपने घर हैं उनको भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ऋतु महसूरी ने भी साफ किया है कि नुकसान हो सकता है, लेकिन आखिर नुकसान कितना होगा वो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जिसके बाद लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। सुबह 7 बजे से पहले ही लोग हैं वो अपने घरों से निकलकर किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं, आसपास कोई भी प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट ड्रोन नजर नहीं आएगा। और साथ ही जो ट्रैफिक की बात करें, ट्रैफिक को लेकर पुलिस ने एक मैप के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया कि सुबह 7 बजे से जो डाइवर्ट एरिया है जिसमें कहें तो जो ट्विन टावर के संबंधित जिसको रोक लगाई गई उस एरिया में मैप खुद ही आपको जानकारी देगा, हो सके कि 7 बजे के आसपास लोग वहां पर ना जाएं, जो रूट बनाए गए हैं जिसमें सर्विस रोड का प्रयोग किया गया है उनका उपयोग करें, तभी इस भीड़ भाड़ से बचा जा सकता है। जाहिर सी बात है अधिकारियों के सामने बड़ी चुनौती है कि आखिर देश में इतनी बड़ी मंजिला इमारत पहली बार ब्लास्ट हो रही है, सामने चुनौती है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें या हम जो यातायात की बात करें तो कहीं ना कहीं जो नोएडा अथॉरिटी के तमाम अधिकारी हैं और जो पुलिस विभाग है उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है वो सामने आएगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.